पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आपके फोन के स्क्रीन पे लग चुका है। प्रश्न में दिया गया है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है दोस्तों, वह किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर एक कपड़ा नगरी है दोस्तों, ये इंग्लैंड का शहर है। तो इसी प्रकार से तुलना भारत में की गई है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोले तब बताना आपको कानपुर। क्या बोलोगे? कानपुर। अकेला प्रश्न आ जाए, भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? अहमदाबाद को, अहमदाबाद को कहा जाता है। लेकिन दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का पूछे, दक्षिण भारत की बात करें तो कोयम, कोयम बटूर, तो कोयम बटूर आपको ध्यान देना लाडले। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिखा फटाफट से। भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया था? भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना जो पूर्णतः असफल रहा, क्या रहा दोस्तों? असफल रहा। भारत का पहला लोस कारखाना, लोहे की फैक्ट्री लगी, वो असफल रहा। लेकिन भारत का जो पहला सफल कारखाना लगाया गया वह 1907 में लगाया गया, जिसका नाम आता है जमशेदपुर। लेकिन 1874 में जो लगा था उसका नाम आता आपके कुलटी, पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और गलती कर दोगे। प्रश्न में ऐसे मिलता ना, भारत का प्रथम सफल लो इस्पात कारखाना कौन सा है, तब आपका राइट उत्तर क्या होता? जमशेदपुर। सीधा प्रश्न पूछा है। तो ये तो 1874 की बात है और ये बात हो रही है 1909 की। तो जमशेदपुर किस नदी के किनारे पड़ता है, इतना बता दो। जमशेदपुर किस नदी के किनारे? शरावती तो कर्नाटक में बहती है, जमशेदपुर तो झारखंड का है। तो याद रखना, सवर्ण, सवर्ण रेखा। क्या बताओगे? सवर्ण रेखा। अगले प्रश्न को देखिए लाडले भाई, क्या दिया गया फटाफट से। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की जाती है? आपको इतना ध्यान देना है, पंचवर्षीय योजना कब कब चली है दोस्तों? पंचवर्षीय योजना कब कब हुई? एक तो सर 1951 से शुरू होती है और आपके 2017 तक, यानी कि 2015 में नीति आयोग आ गया और आपके 12वीं पंचवर्षीय योजना वहीं पर रोक दी गई। तो पंचवर्षीय योजना आपको ध्यान देना है, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। कब हुई थी? 1964। पंचवर्षीय योजना कितने साल की? 5 साल की। 1951 से लेकर 1956 तक कौन सी आई है भाई? पहली है तो। लेकिन 1956 से लेकर आपके 1961 तक कौन सी हो जाएगी? और 1961 से लेकर आपके 1966 के बीच में कौन सी आ गई? तीसरी आ गई। तो इसने बोकारो की बात कर रहा है, बोकारो की स्थापना कब हो रही है? 1964 में। बोकारो की स्थापना कहां पे की गई? तो याद रखना, झारखंड के अंदर। कहां की गई? झारखंड। बोकारो की मदद की थी आपके रूस ने, किसने की थी? लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना में तीन याद रखने, एक तो राउर, राउरकेला, राउरकेला, और एक याद रखना आपको भैया दुर्गा, दुर्गापुर। क्या याद रखोगे? दुर्गापुर। और एक याद रखोगे? भिलाई। तो कई बार ये प्रश्न आते हैं कि भिलाई और दुर्गापुर और राउरकेला लो इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे भारत में? दूसरी में। लेकिन इनमें से एक नाम आ जाएगा, कौन सा? बोकारो। बोकारो कौन सी में लगा था दोस्तों? तृतीय में। बोकारो की हेल्प किसने की थी? रूस ने। जबकि राउरकेला लगाया गया उड़ीसा में। कहां लगाया गया? उड़ीसा में। इसकी मदद की थी जर्मनी ने, किसने की थी? जर्मनी के द्वारा। लेकिन भिलाई की अगर मैं बात करूं दोस्तों, भिलाई की मदद की थी रूस ने, किसने की थी? जब ये लगाया गया तब ये मध्य प्रदेश में था, लेकिन आज ये वर्तमान में कहां पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। कहां पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। और दुर्गापुर की अगर बात की जाए तो इसकी सहायता की थी ब्रिटेन ने, किसने की थी? ब्रिटेन ने। और दुर्गापुर पड़ता कहां है? पश्चिम बंगाल में। कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो ये पंचवर्षीय योजना होती थी दोस्तों, ये कौन सा आयोग चलाता था? कौन सा आयोग चलाता था? याद रखना, योजना आयोग। कौन चलाता था? योजना आयोग। आज योजना आयोग नहीं है लाडले, अब क्या बन गया आपके? नीति आयोग बन गया। अगले प्रश्न को देखिए, 1931 में। सभी दोस्तों से निवेदन है, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सर प्लीज मेरा नाम ले लो, ऋतिक कुमार कह रहे हैं कि सर मेरा नाम ले लो। भाई ऋतिक, सलमान खान, शाहरुख खान, कैसे हो आप लोग? 1931 में बनी पहली बोलती फिल्म की बात कर रहे हैं, भारत की पहली। दुरानी ईरानी निर्माता, वो निर्माता के निर्देश में बनाई गई पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। और पहली मूक फिल्म की बात की जाए जो 1913 में बनी थी, जिसका नाम आता है राजा, राजा हरीश चंद्र। और राजा हरीश चंद्र का जो निर्माता है उसका नाम आता है दादा साहेब फाल्के। भारत की पहली फिल्म बोले तो 1913 की यही बोलना है, भारत की पहली बोलती फिल्म बोले तो क्या बोलोगे? आलम आरा। और भारत की पहली रंगीन फिल्म बनी थी किशन कन्हैया। कौन सी बनी थी?
किशन कन्हैया और भारत की पहली फिल्म जो ओस्कर ओस्कर पुरस्कार जीती, ओस्कर पुरस्कार जीती दोस्तों, भारत की पहली फिल्म जो ओस्कर पुरस्कार जीती, तो याद रखना मदर इंडिया। क्या बताओगे? मदर इंडिया, या आपको ध्यान देना, मदर इंडिया ने भारत की ओर से क्या लिया पहले? ओस्कर पुरस्कार। फिल्म जगत का सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार है? ओस्कर। लेकिन भारत में सबसे बड़ा फिल्म जगत का पूछे तो दादा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगले प्रश्न को देखिए लाडले भाई साहब, सारे विद्यार्थी सेशन को अटेंड से कर लो, क्योंकि 10 मार्च और 22 अप्रैल का पेपर है, उन बच्चों को भी लगना है, क्योंकि माता पिता ने सपने देख रखे हैं कई सालों से, वो सपने पूरे करने का वक्त आ चुका है दोस्तों। चाहे आप ऑफलाइन के बच्चे भी ध्यान से सुन लो, बार बार समय नहीं आएगा, समय समय एक बार चला गया तो दोस्तों जिंदगी खराब हो जाएगी, जैसे मैं खड़ा आपके सामने, तो मैंने भी समय की कदर नहीं की थी, आज आपके सामने पढ़ा रहा हूँ। हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी मेहनत है, मेरा मेहनताना मुझे मिल रहा है, अच्छा घर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मेरे जैसे भी नहीं बनोगे तो देख लो भाई साहब क्या करो, खेत में काम करोगे? 10वीं के बाद क्या करोगे? एक वो रील चलती है ना, 10वीं के बाद क्या करोगे? खेती करेंगे। टेंथ के सर मेरा नेम ले लो, ये क्या है? परमिला यादव जी नमस्कार, परमिला, नीता हमारे बीच में जुड़ी हैं, हाँ नीता, ऋतिक भी जुड़े हैं, और आपके हाँ बड़ी टेंशन है, नीता जुड़ गई, एक ऑफलाइन का बाड़ा कर रहा, नीता जुड़ गई, हाँ बिल्कुल जुड़ गई बेटा, तू देख। हाँ देखिए नेपा नगर, जो नेपा नगर है ये किसके लिए फेमस है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से चीज को पढ़ना। नेपा नगर पड़ता है सर, ये अखबारी कागज के लिए किस राज्य में पड़ता है ये? लेकिन मध्य प्रदेश में एक जगह मिलेगी पन्ना, क्या मिलेगी? पन्ना, और वो किसके लिए भैया? हीरे के लिए। अब एक बात बताइए, वर्तमान में सबसे कठोर धातु कौन सी है? कठोर धातु की बात करूं तो देखो याद रखना, 2023 में अपडेट कर दिया गया, और 2023 के अकॉर्डिंग आज सबसे कठोर धातु है आपके टंगस्टन। कौन सी है भैया? टंगस्टन। और पूरे विश्व में टंगस्टन का उत्पादन करता है चीन, कौन करता है? भारत में सबसे ज्यादा टंगस्टन देता है राजस्थान, और राजस्थान की एक खान पड़ती है जिसका नाम आता है डेगाना, डेगाना की खान, और डेगाना की खान कहां पड़ती है? नागौर में। तो पूरे राजस्थान में आपके टंगस्टन कहां निकाला जाता है? नागौर के अंदर दोस्तों। टंगस्टन का सिंबल पूछा जाता है तो बड़ा डब्लू याद रखना, टंगस्टन जो बल्ब में लगा हुआ फिलामेंट होता है, जो एक अंदर से स्प्रिंग जैसा तार दिखाई देता है, वो आपके क्या होता है? टंगस्टन का होता है। किसका होता है? लेकिन बल्ब में क्या भरी जाती है? ऑर्गन के साथ साथ क्या भरी जाती है आपके? नाइट्रोजन, यानी कि उसके ज्वलन शक्ति होती है उसको बढ़ाए रखे ऑर्गन, और प्रकाश को फैलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन का। किसका करते हैं? नाइट्रोजन का। तो इस प्रश्न में राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके? अगले प्रश्न को देखिए, भारत के प्रथम समाचार पत्र का नाम बताना है। समाचार पत्र का पहला नाम ही दे दिया, द बंगाल गजट। क्या नाम दे दिया? द बंगाल गजट। लेकिन द बंगाल गजट किस व्यक्ति के द्वारा पेश किया गया दोस्तों? किस व्यक्ति के द्वारा पेश किया गया? फटाफट से कमेंट करोगे दोस्तों, याद रखना जेम्स हिक्की के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स हिक्की के द्वारा। और इस जेम्स हिक्की को भारत में प्रिंटिंग प्रेस का भी निर्माता माना जाता है। प्रिंटिंग प्रेस का निर्माता भी कौन है? जेम्स हिक्की। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस देन आती है पुर्तगालों की। किसके आती है? पुर्तगालों की दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए, आपसरी में नजरों से बातें ना करें, कृपया नजरों को बचा के रखें, नजरों के अंदर ये पेन डाल दिया जाएगा। देखिए क्या देखिए, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? सूती वस्त्रों की राजधानी किस शहर को बोला गया लाडले भाई साहब? सूती वस्त्रों की राजधानी कानपुर को, मुंबई को, अहमदाबाद को, वाराणसी को। घंटियों का शहर किसको बोलते हैं? वाराणसी को। इसका प्राचीन नाम क्या है? बनारस। क्या नाम है? बनारस। और भारत का मैनचेस्टर क्या है? अहमदाबाद। और भारत में सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो भी कहां पड़ता है? अहमदाबाद में। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? कानपुर। लेकिन वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? और भारत की आर्थिक राजधानी, भारत की आर्थिक बोलो या बोलो आर्थिक या बोलो इसको फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय कैपिटल, वित्तीय। तो ये दोनों याद रखना आपके कौन से हो जाएगी? मुंबई। और एक प्रश्न बता दो, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर बताइए। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो एरिया के अकॉर्डिंग बताना पड़ता है, तब आपका राइट उत्तर होगा दिल्ली। क्या होगा? लेकिन सबसे बड़ा शहर नाम मिलेगा आबादी, क्या मिलेगा?
आबादी, तो आबादी में राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके, मुंबई। तो लाडले दो बातें निकल गई आपके सामने, देश का सबसे बड़ा शहर बोले तो बताना आपको दिल्ली, देश का सबसे बड़ा शहर आबादी किस शहर की जनसंख्या ज्यादा है, तब आपका राइट उत्तर क्या होता है, मुंबई। मुंबई का प्राचीन नाम कई बार पूछा जाता है, तो याद रखना इसका बंबई, क्या नाम है, बंबई। और बंबई से लेकर ठाणे के बीच में क्या चली थी देश के अंदर, पहली रेलगाड़ी। एक बच्चा बैठता है यहाँ पे सुरेश नाम करके, कहाँ है, क्या कर रहा है ऊपर, बोला और पानी लेके ऊपर से जा, कहाँ है वो सुरेश, घर हूं, इतनी लंबी बात है। सुरेश का रिश्ता आ चुका है, रिश्ते की बात चल रही क्या, या कोई और राजी खुशी होंगे सारे, फिर ठीक है, क्या चल रही है, हाँ तेरे तेरे के दिक्कत, तन तो बिहारू ले आगे देगा, ना टेंशन ले, 1.5 लाख रुपया गोज मंगा लीजिए, बिहार में बढ़िया सी लागे देगा तने। अगले प्रश्न को देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को सम्मिलित कर दिया, अमृतसर से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर कोलकाता, नेशनल 1 और नेशनल हाईवे 2, इन दोनों को जो कहा जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ग्रांड ट्रक रोड, यानी कि जीटी रोड। और जीटी रोड का निर्माता या फादर किसे बोलते हैं, फादर की अगर बात आ जाए दोस्तों, तो याद रखना आपके शेर शेर शाह सूरी। अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो, इसके बचपन का नाम क्या था, फरीद खां, क्या नाम था, फरीद खां। अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो, शेर शाह सूरी का मकबरा कहां पे, मकबरा कहां पर है ये बता दो, शेर शाह सूरी का मकबरा, सह से शेर, सह से याद रखना सारा, नहीं आपके, अरे वो सासाराम, सासाराम, तो सासाराम कहां पड़ता है आपके, बिहार में। तो शेरशाह सूरी का मकबरा किस शहर के अंदर पड़ता है, सासाराम बिहार के अंदर। शेरशाह सूरी ने किसका निर्माण किया आपके, जीटी रोड। और भारत में जो मुद्रा चलती है, मुद्रा का नाम क्या है, रूपा, तो भारत की मुद्रा नामक रूपा का प्रचलन किसने किया, शेरशाह सूरी के द्वारा दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिए गए, भारत की पहली अभिनेत्री का नाम बताना है, भारत की पहली अभिनेत्री जिसे राज्यसभा में एक सदस्य के रूप में चुना गया दोस्तों, राज्यसभा के रूप में चुना गया। राज्यसभा बनना है तो कितनी एज चाहिए आपको, 30 वर्ष, कितना चाहिए, राज्यसभा में आपको सदस्य करना है तो कितने वर्ष काम कर सकते हो। राज्यसभा एक ऐसा सदस्य होता है, ऐसा सदन है जो कभी भी क्या नहीं होता, भंग नहीं होता। राज्यसभा की टोटल सीटों की संख्या कितनी है, 245। राज्यसभा में से कितने सदस्य राष्ट्रपति चुनता है, 12 सदस्य। राज्यसभा आपसे पूछ ले तो कैसा सदन है, स्थायी सदन है, उच्च है या निम्न सदन है, उच्च सदन है। राज्यसभा की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसके सदन का कार्यकाल, कोई कार्यकाल नहीं होता, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का। और पहली जो महिला चुनी गई थी आपके राज्यसभा में, नरगिस दत्त, आपने सुनील दत्त, संजय दत्त सुना होगा, संजय दत्त के पिता का नाम क्या है, सुनील दत्त, उसकी वाइफ का नाम क्या है भैया आपके, नरगिस दत्त, यानी कि संजय दत्त की मम्मी का नाम क्या है, नरगिस दत्त। ये जो राज्यसभा की पहली महिला क्या बनी थी, एक सांसद बनी थी, क्या बनी थी। अब एक बात बता दे, जयदेव डूडी, डूडी एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा, एक लोकसभा और राज्यसभा। इस लोकसभा के सर्वोच्च व्यक्ति को बोलते हैं स्पीकर, क्या बोलते हैं, स्पीकर। और इसके अंदर जो आपके बड़ा अध्यक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं, नहीं उसको बोलाता है चेयरमैन, या उसको बोलते हैं आपके अध्यक्ष बोल दो, या बोल दो उसे बोलते हैं सभापति, क्या बोलते हैं, सभापति। और हमारे देश का सभापति यहाँ पे कौन काम करता है, वाइस वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उप राष्ट्रपति। तो ये याद रखना आपको दोस्तों, मर गई हो क्या बात है, क्या कह रही है नीता, नीता पढ़ाई पे ध्यान दो, नेता ब्लॉक कर दूंगा, देख ले, शिवनाथ ने और अर्जुन ने दोनों ने बोला गुरुजी ब्लॉक कर दो, सभी लड़कों को बिगाड़ रखा है क्लास में। हाँ हाँ नीता अंबानी, रिश्तों भेजोगे, आयो बटो नीता अंबानी को, बच्चे भी हमारे ऑफलाइन के कह रहे हैं गुरुजी सर वॉइस तेज करो, वॉइस कम है क्या,
रुक जाओ एक बार, एक जनो बोल रहे ना, जब सारा चुप रहे करो। सही आ रही है आवाज तो? चल चमेली बाजार में तुझे झूला झुलाऊं, आवाज तो सही आ रही है गुरुजी। थोड़ी वॉइस अप करो। वाह, अप अप डाउन, वाह यार, आ यो आयो मजो तो। अप लैप कर दिया, फॉर्म में आया छोरो। देखो सारे विद्यार्थी फटाफट से एक तो 50+ का लाइव आंकड़ा करो फटाफट से, और एक लाइक की भी तो करो। लाइक नहीं करते आप बिल्कुल भी, लाइव और लाइक देखना एक बार यार। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब करो। सर नीता को नींद आ रही है, तने बड़ो ध्यान है, तू ही दे लो रही है ना, निको नहीं पढ़ लियो। शिवनाथ है, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? एक ऑस्कर पुरस्कार का संबंध पूछेगा, किससे संबंध? चलचित्र यानी कि सिनेमा, किससे है? सिनेमा। और इसकी शुरुआत की गई थी 1929 में। एक आता है दादा साहेब, दादा साहेब फाल्के, तो दादा साहेब फाल्के की शुरुआत हुई थी 1969 में। ये भारत का सर्वोच्च, ये किसका है भैया? भारत का। और ये बोले तो ये विश्व का। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1929 में। और भारत में यानी कि दादा साहेब की अगर बात करें तो 1959 में। फिल्म जगत का सबसे बड़ा भारत में, विश्व में सबसे बड़ा पूछे तो। एक छोटा सा प्रश्न बताना मुझे आप, पुलित्जर, पुलित्जर, पुलित्जर किस में दिया जाता है? पत्रकारिता, कारिता। और एक आएगा आपके सामने ग्रेमी, ग्रेमी पुरस्कार, तो ये मिलता है आपके संगीत में, किसमें मिलता है? संगीत में। और एक आता है मान, मान बूकर, मान बूकर पुरस्कार, ये याद रखना अंग्रेजी, अंग्रेजी साहित्य में मिलता है, किसमें मिलता है? अंग्रेजी साहित्य में या अंग्रेजी नोबेल में, आयरलैंड की सरकार देती है मान बूकर पुरस्कार। इंपोर्टेड है ये, लिख लो, नई बात आती है। एक आएगा आपके सामने एबल पुरस्कार, एबल पुरस्कार मिलता है गणित में, किसे मिलता है? गणित में। और एक भारत का सबसे बड़ा संगीत में दिए जाने वाला, तो याद रखना तान, तानसेन। तो भारत में सबसे बड़ा जो पुरस्कार है संगीत का वो नाम क्या है? तानसेन। और एक ही राज्य देता है, और राज्य कौन सा देता है? भारत में तानसेन नामक पुरस्कार। हाथ जोड़ो यार दोस्त, पढ़ा लें यारो, कौन सो है यो? ना ना ना, तू राज मेरे कन आ जा, आज मेरे कन आ जा, आज उराज बैठ जाओ। तेरा शक्ल देखिए जी, कोई पड़ोसी अंग बाई उरा रही है क्लास में। लड़ियो नाइब गुरुजी चरण, हाँ भाई साहब दूर तक रहने दे, तो चढ़ चढ़ के हाथ लगाना तो आज क्लास में। अगले प्रश्न को देखिए, पहला रेलवे अधिनियम कब बना था? पहला जो रेलवे अधिनियम है दोस्तों, ये बना था आपके 1890 के अंदर, क्योंकि पहली रेलवे दुर्घटना घटती है आपके जो कोंकण रेलवे तट है वहां घटती है, तो इसलिए अधिनियम यानी कि कानून बना दिया। रेलवे बोर्ड की बात की जाए तो रेलवे बोर्ड कब बना था? 1905 में। एक छोटा प्रश्न बताइए, भारत में रेल जोनों की संख्या कितनी है? रेल जोनों की संख्या, रेल जोनों की संख्या, वेरी गुड दोस्तों, कितनी है? 18। तो भारत में रेल जोनों की संख्या कितनी है दोस्तों? 18। सबसे बड़ा रेल जोन कौन सा पड़ता आपके है? ना ना ना, ना कानपुर को नहीं। सबसे बड़ा रेल जोन किस प्रकार पूछ रहा है? एक तो ट्रेन के आगमन से भी होता है, प्लेटफॉर्म तो कोलकाता का मिलेगा सबसे बड़ा, कानपुर का नहीं है भाई साहब। वो तो प्लेटफॉर्म की बात करें तो दो बातें सुन लेना, देश का सबसे लंबा प्लेट, प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म की अगर बात की जाए तो याद रखना आपके 1507 मीटर इसकी लंबाई है, यानी कि 1.5 किलोमीटर लंबा है। और ये आपका हुबली, क्या है? हुबली। और ये हुबली कहां पड़ता है? कर्नाटक में। अब चेंज हो गया, पहले जो सबसे बड़ा आपके प्लेटफॉर्म था वो था गोरखपुर, और गोरखपुर की लंबाई थी 1333 किलोमीटर, नहीं ओनली मीटर, लगभग 1.3 किलोमीटर। ये था तेरा प्रश्न, ये था जयदीप डूडी, ये प्रश्न था तेरा, और यहां राकेश चौधरी खड़ा है, टेंशन नहीं लेने का। तो सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बोले तो क्या बोलोगे आप? हुबली। एक तो है हुगली, हुगली तो नदी है कोलकाता में, और हुबली सिटी है,
और ये सुबली सिटी कहां पड़ती है? कर्नाटक में। तो देश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? कोई एक व्यक्ति यहां खड़ा है और कोई एक व्यक्ति यहां खड़ा है, तो इसके बीच में ट्रेन रुककर और इसके ऊपर आप चढ़ सकते हो ट्रेन में, तो इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म। क्या बोलते हैं? 1.5 किलोमीटर लंबा प्लेटफॉर्म। अब देख लो यार, छोटी बात है, 1.5 किलोमीटर। अब भाई साहब मीटर में फिर तो कौन मीनिंग है, कौन आयो बटो जयपुर वो कितना है। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? एक तो रेलगाड़ी से पर्सन आता है, आपसे ज्यादातर पर्सन क्या आएगा? एक तो याद रखना, भारत भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी, ये कई बार पर्सन आता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में दो चलती है, एक थार और एक समझौता। समझौता काम की बात है दोस्तों, ईमानदारी सुनिए, बहुत बढ़िया बात है। पाकिस्तान और भारत के बीच चालन लाग रही क्या ट्रेन है? दो। उसी प्रकार से भारत और बांग्लादेश के बीच में भी कितनी है? बांग्ला बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के बीच में भी दो है, एक का नाम है मैत्री। क्या नाम है? मैत्री। और एक का नाम है बंधन। क्या नाम है? बंधन। तो ये आपको ध्यान देना है। तो सबसे लंबी दूरी जो तय करती है वो असम से लेकर आपके तमिलनाडु तक, उसका नाम है आपके सामने विवेक एक्सप्रेस। और जो सबसे गति से चलती है, सबसे तेज चलती है, तो याद रखना वंदे वंदे भारत या मातरम, वंदे भारत याद रखना आपको, वंदे भारत। तो भारत की सबसे तेज चलने वाली 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। और भारत में जो बुलेट ट्रेन चलेगी वो आपके अहमदाबाद से लेकर कहां चलेगी? मुंबई के बाद। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया गया। दिल्ली मेट्रो रेल किस वर्ष शुरू हुआ था? याद रखना दोस्तों, हमारे देश में मेट्रो मेट्रो देन यूरोपीय कंपनी की है। और मेट्रो की अगर मैं बात करूं तो ये आपके 1984 के अंदर आपके कोलकाता में चली थी। कहां चली थी? कोलकाता। तो देश की पहली मेट्रो ट्रेन आपके कोलकाता में 1984 में, लेकिन दिल्ली में बनी थी आपके 2002 में। वर्तमान में भारत की 16 सिटियों के अंदर मेट्रो दौड़ती है। कितनी सिटियों के अंदर? 16 सिटियों के अंदर, जयपुर भी शामिल है उसमें। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, बहुत ही शानदार प्रश्न है। किसी की चैट ना पढ़ पाऊं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि चैट पढ़ने की आदत नहीं है, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाता दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लोड में उन्होंने की थी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन भारत की पहली दशकीय जनगणना आती है। भारत की पहली दशकीय जनगणना, और दशकीय जनगणना की शुरुआत 1881 में, और ये किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने। किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने। लेकिन भारत की पहली जनगणना, या जनगणना का फादर बोलते हैं, जनगणना का फादर, तो याद रखना आपके लॉर्ड मेयो। कौन है? लॉर्ड मेयो। और ये 1872 में, 1872 में। तो एक बात बताइए गुरुजी, 1972 में क्या हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। 1972 को बोलते हैं शिमला 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 समझौता। शिमला समझौता किस वर्ष होता है? 1972 में। और शिमला समझौता किस राज्य के अंदर हुआ? हिमाचल प्रदेश। किन दो देशों के बीच बातों को समझाया गया? भारत और पाकिस्तान। तो शिमला समझौता किससे जुड़ा हुआ है? भारत और पाकिस्तान से। एक समझौता मिलेगा आपको 1984 का, सॉरी 54 का, पंचशील। तो पंचशील जो समझौता है किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में। और एक मिलेगा 1966 का, जिसे बोलते हैं ताशकंद। कुछ भी भूल जाओ दोस्तों, इसको मत भूलना, समझौते जितने हैं सब भूल जाओ, लेकिन इतना याद रखना, ताशकंद समझौता किस वर्ष होता है लाडले? 1966 में। ताशकंद समझौता भारत में नहीं हो रहा, भारत से बाहर हो रहा है। कहां हो रहा है? उज्बेकिस्तान की राजधानी। और देखो, ताशकंद समझौते के समय मुख्यमंत्री नहीं आपके प्रधानमंत्री था देश का, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं था, उसके बाद आपके लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री, ये हुआ था 10 जनवरी 1966 को, और वहीं पे इसके ताशकंद समझौते के अंदर 11 जनवरी 1966 को सुबह 4:15 बजे इसने प्राण त्याग दिए। रात को सोया था, सुबह इसको लेटा हुआ लेके आना पड़ा। भारत का वह प्रधानमंत्री जिसकी मृत्यु विदेश में हो रही है, उरे मास्टर खड़े हो, राकेश चौधरी, टक्कर ना लिए, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए क्या है, फटाफट से देखिए। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा
82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? यहाँ पे मैंने समय रेखा पूछा है, क्या पूछा है? समय रेखा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करक रेखा पूछू तो करक रेखा आपका जवाब मिलेगा 8 राज्य, कितने? मैंने तो ये वाली रेखा पूछी है जो भारत का समय बताती है इस प्रकार, मैंने तो करक रेखा ये तो पूछी नहीं। ये वाली रेखा पूछू तो यूपी, यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद में उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद में आपके आंध्र प्रदेश, कितने राज्य? इसका एक ही प्रश्न याद रखना, कुछ भी मत पढ़ना। विश्व के समय से भारत के समय रेखा में अंतराल पूछेगा, तो विश्व के समय से भारत के समय के अंतराल में कितने घंटे का अंतर है, यही प्रश्न आता है। सारी चीजें भूल जा लाडले भाई, पर इतना याद रख लेना जो भारत का समय रेखा बताती है और विश्व के समय रेखा के बीच में कितने घंटे का अंतराल है, विश्व के समय रेखा से कितने घंटे आगे है भारत का समय, 5.5 घंटे, यही प्रश्न आएगा आर्मी में, ये वाली बातें भी नहीं आएंगी। और बोल ठीक है, तो करक रेखा पे कुल कितने राज्य हैं? 8 राज्य, गुजरात, राजस्थान, राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आपके मिजोरम, कितने राज्य हो गए? 8 राज्य। एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, जिस प्रकार भारत का समय बताती है आपके 82 डिग्री देशांतर रेखा, उसी प्रकार विश्व में समय बताने वाली टाइम जोन कितनी रेखाएं हैं? टाइम जोन रेखाएं पूछी मैंने, टाइम जोन जो विश्व के समय बताती है, याद रखना विश्व के जो समय बताने वाली टाइम जोन रेखा अलग अलग देशों के अलग अलग है, किसी देश में 1 है तो किसी देश में 9 भी है, 12 भी है। सर्वाधिक टाइम जोन फ्रांस के 12 टाइम जोन है, कितने भैया? 12 टाइम जोन है। और उसी प्रकार चीन के टाइम जोन 9 है दोस्तों, तो टोटल जो टाइम जोन है ये 15 डिग्री के अंतराल पे, कितने डिग्री के अंतराल पे? अब आपको पता है पूरे वर्त का कोण कितना होता है? 360। पेपर कटिंग में मैंने पूरे विश्व को खोल दिया तो 15-15 डिग्री पे बांट दो, अब 360 को किससे भाग दे दो आप? 15 से, काट के देख लेना कितना आ जाएगा आपके 24, कितना आ जाएगा? यानी कि विश्व में टाइम जोन बोले तो कितने? 24। भारत में रेलवे जोन बोले तो 18, और भारत में हाई कोर्ट बोले तो 25। विश्व के टाइम जोन कितने हैं? 24। प्रत्येक टाइम जोन का अंतराल कितने डिग्री पर है? 15 डिग्री पर। और एक प्रश्न और बता दो, भारत के टाइम जोन कितने हैं? 1 या 2 या 3? भारत में टाइम जोन 1 है 2 है 3 है, अरे 1 है लाडले, ये लिख रखा 82 डिग्री वाला, ये रहा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिया गया आपके साथ, पता है क्या है? आपको तो प्रश्न का उत्तर बता दो, 2-4 आपकी चैट पढ़ लो, 2-4 मार दो चुटकले, तब तो आपको लगते हैं गुरुजी एकदम बिंदास, एकदम लल्लन टॉप गुरुजी लगते हैं। ज्यादा ज्ञान पेल दो तो बोलेंगे ज्ञान पेल रहा है, कैसा मास्टर है। कई तो ऐसे लप्पू से मास्टर मुझे भी देख रहे हैं, बताऊंगा तुम्हें तो टाइम आने दो, एक बार रुक जाओ, बोलती बंद करूंगा सभी की। भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्र तटीय रेखा की लंबाई बतानी है। अब देखो मुख्य भूमि की बात कर रहा है, अब मुख्य भूमि का मतलब जो आपके प्रायद्वीप भारत है, ये है मुख्य भूमि, ये वाला है देखो, ये पानी जो लगता है। अगर टोटल बात करें कि भारत की जो आपके समुद्र तट रेखा कुल की बात करूं, कुल की बात करूं तो याद रखना 75 16.6 किलोमीटर, लेकिन ये तो दो भागों में बट गई, एक तो मुख्य भूमि की और एक आपके द्वीपों की, एक किसकी भैया? द्वीपों की है 14 16.6 किलोमीटर और मुख्य भूमि की है 6100 किलोमीटर। इस मुख्य भूमि से राज्य लग गए 9 राज्य, कितने? 9 राज्यों में ज्यादा किसकी लगती है? गुजरात की, और सबसे कम किसकी लगती है? यही प्रश्न आता है, भारत का कौन सा राज्य समुद्र से ज्यादा सीमा बनाता है? गुजरात, 1215 किलोमीटर की। और भारत का कौन सा राज्य समुद्र से कम सीमा बनाता है? गोवा राज्य, 106 किलोमीटर। वेरी गुड शिवनाथ, का जवाब बिल्कुल ठीक है, उत्तर संख्या आपके ऑप्शन संख्या सी। लेकिन भारत की जो स्थलीय बाउंड्री है यानी कि मिट्टी वाली जो देशों के साथ लगती है, कितने देशों से? 7 देशों से, उसकी लंबाई बोले तो कितनी बताओगे? 15,200। लेकिन 2009 की गृह मंत्रालय की रिपोर्ट ने संशोधन कर रखा है और इसकी लंबाई की जो लंबाई है वो 15,106.7 किलोमीटर है, क्योंकि हमने कुछ भूमि जैसे एक एलओसी और एक एलएसी नामक रेखा है उनको काट कर बाकी बच गई आपके कितनी? विवाद एरिया को छोड़ ही दिया। तो टोटल आपको बताना अब भी कितना? 15,200। ऑप्शन में ना हो तो आपको क्या बताना है? 15,106 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे तो पानी की बात कर रहा है, तो पानी की मुख्य भूमि की कितनी है? 6100। और 6100 के साथ कितने भारत के राज्य लगते हैं? 9 राज्य। 9 में से ज्यादा कौन बनाता है? गोवा। और कम कौन बनाता है दोस्तों?
सॉरी ज्यादा बनाता आपके गुजरात, कम बनाता है गोवा। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिया गया, जनगणना किस अनुसूची का विषय, जनगणना किस अनुसूची का विषय है। किसको कमेंट, कौन है, ठाकुर, वाह, फ्यूचर फौजी का बस एक ही काम, वो एक ही काम है, शायरी लिखना। पेपर में बेटा शायरी नहीं आएगी। देखिए जनगणना किस अनुसूची का विषय है, देखो जनगणना, जनगणना किस सूची का, देखो अगर हमारे देश में एक होती है केंद्र सरकार, एक होती है राज्य सरकार, क्या होती है, अगर केंद्र सरकार काम करती है तो उसको हम रखते हैं संघ सूची में, किस में रखते हैं, और राज्य सरकार काम करते है उसको रखते हैं राज्य सूची में, अगर दोनों मिलके काम करते हैं उसको रखते हैं हम भैया समवर्ती में, किस में रखते हैं, कुछ ऐसे काम है जो दोनों मिलके करेंगे तो उन्हें बोलते हैं समवर्ती सूची के विषय, जो केंद्र सरकार करेगी उसको कहां रखेंगे, संघ सूची में, और जनगणना जो काम कराने का मंत्रालय है वो है गृह मंत्रालय, कौन है, गृह मंत्रालय, और गृह मंत्रालय यानी कि कौन कर रहा है भैया, दिल्ली, यानी कि दिल्ली क्या हो गया आपके केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि कैसी सरकार होगी, केंद्र सरकार, और किस में रखेंगे, संघ सूची में, जो ये जितने काम किए जाते हैं ये रखे जाते हैं आपके सातवीं अनुसूची में, किस में रखे जाते हैं, सातवीं अनुसूची के अंदर, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके सामने, अरे आठवीं के अंदर तो भाषा है, जो पागल ने आठवीं उत्तर दिया ना वो फैल है, जिसने आठ बोला अपनी क्लास में वो फैल है, आठवीं तो आपको पता है भाषा का उल्लेख है, नौवीं अनुसूची में तो भूमि सुधार कानून है, भूमि सुधार कानून है, और इसके अंदर आपको आरक्षण की बात की गई है, आरक्षण, और कितनी जातियों के लिए आपके, एक जाति के लिए वो कौन सी एसटी, और कितने राज्यों के लिए, चार राज्यों के लिए, असम त्रिपुरा मेघालय, सॉरी असम त्रिपुरा मेघालय और आपका मिजोरम, इन चार राज्यों के लिए छूट दी गई है छठी के अंदर, सातवीं के अंदर आपके सूचियों का उल्लेख है, कितनी सूचियां, एक दो एक तीन, कितनी सूचियां, तीन, अनुसूचियां कितनी है, 12, वेरी गुड। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, अभी भी बता रहा हूं दोस्तों ध्यान से सुन लेना, अगर आप अगर अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो दोस्तों, सिलेक्शन लेना चाहते हो तो हमारे द्वारा तैयार किए मॉडल टेस्ट पेपर ले सकते हो और सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू भी ले सकते हो, 8988232854 पे आपको मैसेज करना है, और ध्यान से सुन लो, रात्रि आज 9 बजे आपके लिए एक महामैराथन क्लास होगी, अति महत्वपूर्ण क्लास है, जिसमें आर्मी से रिलेटेड जितने भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बने हैं इंपोर्टेड आपके, वो मैंने इस क्लास में डाले हैं, तो ये घंटे दो भी चल सकते हैं, तीन भी चल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करती है आप इसमें कितना अहम भूमिका निभाते हो। धन्यवाद धन्यवाद अजय चौधरी भाई, सेशन को शेयर किया करो आप सारे लोग, आगे चलो क्या, कोई दिक्कत नहीं है, जयदेव ड्यूटी ठीक है, वही काट डांगा अपनों काम के क्वेश्चन काटन को, यह ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, वेरी गुड दोस्तों, ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी, क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी। देखो आपको एक छोटा सा प्रश्न बोलता हूं, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी यार दिल जीत लियो तय शिवनाथ, यार तू लड़को बढ़िया है शिवनाथ, और बुरो भी बहुत लड़को है, इस शिवनाथ में प्यार भी कदी कदार आओ और इतनी नफरत आवा कि चक्कू मार दियो ऊपर, पढ़ाई में होशियार है और मर्डर गस्ती करने में हॉस्टल का बदमाश लोंडा लफंगा यही है, पेडोलॉजी, और एक होता है पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी, अब ये दोनों बता दें, पेट्रोलॉजी के अंदर होता है चट्टानों का, चट्टानों का अध्ययन, और इसके अंदर होता है आपके मृदा का अध्ययन, दोनों एक जैसे नाम लग रहे हैं अभी बता दिया, एक है पेडोलॉजी मिट्टी का है और पेट्रोलॉजी की अगर बात करें तो चट्टानों का, दोनों बातें इंपोर्टेंट है, लाडले लिख ले, कोई मास्टर नहीं बताएगा आपको। अगर फिकर रास्ते की होती तो नशा वर्दी का ना होता, और अगर डर मौत का होता तो सपना फौज का ना होता, तो वाह 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 वाह, ये बट्टू है बंटू है चौधरी भाई साहब, इस पे ध्यान दे ले यार, शायरी तो लोग लिख देंगे तेरे ऊपर, तू इस पे ध्यान दे ले, ये कोई नहीं बताएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए क्या देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का विश्वतीय व्यास कितना है, देखो विश्वतीय व्यास क्या होता है, विश्वतीय व्यास किसको बोलते हैं, व्यास का मतलब क्या होता है, देखो एक आपके सामने गोला है, क्या है भैया, और इस गोले को मैंने इस प्रकार काट दिया, इस प्रकार काट दिया मैंने,
अब ये जो काटा गया ना, ये जो दूरी है ना, इसका नाम क्या है? व्यास है, ये तो व्यास है, मैंने तो व्यास बोला है। अब मान लो ये गोला है, ये क्या है? गोला। अब गोले को मैंने किस प्रकार काट दिया आपके? इस प्रकार काट दिया। अब ये जो डिस्टेंस है, ये क्या है? व्यास है। अब ऊपर से लेकर नीचे की ओर काटा है, तो हमारे पृथ्वी के ये क्या है? ध्रुव है, इसलिए इसको क्या बोला गया? ध्रुवीय व्यास। क्या बोला गया? ध्रुवीय व्यास। और याद रखना, हमारी पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वो कम है, क्योंकि हमारी पृथ्वी ध्रुवों से चपटी हुई है और बीच में क्या है? मोटी। इसलिए हमारी जो पृथ्वी की जो आकृति है वो किस फल के अनुसार है? हमारे पृथ्वी की आकृति को बोलाता है गोलाब। क्या बोलते हैं? गोलाब का मतलब क्या होता है कि सर हमारी पृथ्वी एक्चुअल में देखे एक प्रकार का आलू है। क्या है? एक प्रकार का आलू है। आलू का मतलब क्या है? कहीं से वो दबी हुई है तो कहीं से फोड़े की तरह बाहर निकली हुई है, इसलिए उसको राउंड शेप में लेकर हमने एक ग्लोब बनाया। क्या बनाया? ग्लोब। और लेकिन हमारी पृथ्वी की आकृति कैसी है? सर बीच में मोटी है और ऊपर से क्या है? चपटी है। जब ऊपर से चपटी होगी तो जो वो व्यास है वो कम होगा, जबकि बीच वाला क्या होगा? चौड़ा बोल रहा, ज्यादा होगा। बटा चौड़ा लंबा बड़ा ध्यान रखता है। विश्वतीय व्यास की अगर बात करें तो विश्वतीय व्यास ये वाले की बात कर रहा है, ये वाला ज्यादा है विश्वतीय। ध्रुवीय व्यास की बात करें तो ये कम मिलेगा। तो विश्वतीय व्यास याद रखना आपके 12,000 आपके 756, और ध्रुवीय व्यास की अगर बात करें तो ध्रुवीय, ये याद रखना, तो 12,714। ऊपर से ले नीचे की ओर व्यास, ये याद रखना। अब त्रिज्या क्या होती है? व्यास का आधा या दुगना? और त्रिज्या का दुगना क्या होता है? फिर तो मत मैथ आती है आपको, रोबोट सर ने पूरा पढ़ा रखा आपको। रोबोट, रोबोट सर, सुनील सर बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं दोस्तों। सुबह 8 बजे उनका सेशन आता है लाइव आपके सामने। तो आज उन्होंने मैथ कराई, रीजनिंग कराई है, तो आज मैथ का सेशन लगा है दोस्तों 2 घंटे का, 8 से 10 बजे के बीच में। तो सारे विद्यार्थी जरूर देखें, जिनका पेपर 10 मार्च को है और 22 अप्रैल को है, हाथ जोड़ के निवेदन है सेशन को अटेंड करें। अगले प्रश्न को देखें दोस्तों, आपके लिए इतना क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आप नादान बालक हो, आपकी उम्र कितनी है? 17, 18, 19 साल। अभी आप निकले हो बाजारी दुनिया में, कंपटीशन की लाइन के अंदर, आपको कुछ नहीं दिखता। आपको दिखती है पड़ोस में समोसों की दुकान और आपका एक पार्टनर चल चमेली दिखती है आपको, बस। और कुछ नहीं दिखता, फ्यूचर नहीं दिखता। माता पिता आपके लिए पैसे कहाँ से ले रहे वो नहीं दिखता, बस आपको तो लगता है हाँ तेरे जेब में कितने, बोला 200 यार, वो उस दुकान पर रसगुल्ले खा रही, अपने चलते यार, यार तू पूछ ले यार। तुम्हारा फ्यूचर अभी ये है, लेकिन दिमाग के सोचोगे ना तो भाई पढ़ाई पे ध्यान दे लो, ये चमेली आपके पीछे घूमेगी। बाजार में 100-100 चमेलियां मिलेगी, एक चमेली से क्या करना? फौज में यानी कि लग जाओ भाई साहब, चमेली आपके साथ आएगी। चमेली नहीं चाहिए ना? वेरी गुड। हमारे बच्चे कह रहे गुरुजी हमें चमेली नहीं चाहिए, चमेली का परिवार चाहिए हमें। और गाड़ी मांग रहे गुरुजी, मैं तो लग जाऊंगा गुरुजी, फॉर्चुनर मांगूंगा। तो किमी मांग ले, तू लाग तो जाए एक बार। चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा का जो प्रकाश है वो 1.3 सेकंड। कई ऐसे यूट्यूबर के मास्टर है वो इसको 1.3 मिनट भी लिखते हैं, मिनट भी लिखते हैं, हालांकि गलत है। लगभग 2 सेकंड भी नहीं लगते दोस्तों, 1.5 सेकंड भी नहीं लगा। लेकिन सूर्य के प्रकाश की बात करें तो 8 मिनट 16 सेकंड भी आता है और 8 मिनट आपके 20 सेकंड भी आता है। लेकिन इसको आप 8.3 मिनट कर लेना। किसको? मिनट। किसके प्रकाश को? सूर्य के प्रकाश को। और कहां तक पहुंचने में? अर्थ तक। तो ये तीनों बातें जब आपको मिल जाए तो इसके ऊपर टिक लगाना। अगर ये ना मिले तो 8 मिनट 20 सेकंड जरूर मिलेगा, ये भी ना मिले तो 8 मिनट आपके। अब आपको सही बात बताता हूं, कई किताबों ने क्या दे रखा है कि सूर्य के प्रकाश को 8 मिनट 8 मिनट, ये बात तो सही है, लेकिन इसको एक्चुअल में जो समय लगता है वो 16.8 सेकंड लगता है। यानी कि मोटा मोटा देखा जाए तो आपका सेकंड हो गया 496 सेकंड। कितने हो गए? 496। इसको सरल भाषा में याद रखने के लिए कितने सेकंड बोल देते हम? 500 सेकंड बोल देते। कितना बोल देते हैं? जब 500 सेकंड को डिवाइडेशन किया जाता है तो 8 मिनट 20 सेकंड निकलते। कितने निकलते? और बच्चों ने टीचरों ने रटा रखा है, हालांकि जो सूर्य का प्रकाश है वो 8 मिनट आपके 16.68 सेकंड के अंदर पहुंच जाता है आपके। तो यानी कि मोटा मोटा आपको कितना बताना पड़ता है? 500 सेकंड। अगर 500 सेकंड भी दे रखा है और 496 दे रखा है, तब आपका राइट उत्तर क्या होगा? 496 सेकंड होगा। लेकिन लगभग नाम आता है, ऊपर प्रश्न मिलेगा कि लगभग कितने सेकंड लगते हैं, तो लगभग में तो यही आंकड़ा बताना पड़ता है। आगे देखिए, सैकड़ों में आंकड़ा बताना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए फटाफट से, कि ब्रह्मांड की आयु लगभग कितनी है? ब्रह्मांड की आयु
याद रखना, ब्रह्मांड की जो आयु है दोस्तों वो 13 पॉइंट आपके 7 मिलियन वर्ष है। मिलियन, मिलियन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अरब। और हमारे सूर्य की आयु पूछे आपसे, सूर्य की आयु, तो सूर्य की आयु है 10 अरब। कितनी है? 10 अरब। 10 अरब में से इसने पूरी कर ली 4.7 अरब। कितनी कर ली? 4.7 अरब। इसका मतलब सर, इस सूर्य के अंदर से हाइड्रोजन खत्म हो रहा है ना धीरे धीरे। जब हाइड्रोजन खत्म होगा तो प्रकाश ही नहीं बनेगा, प्रकाश नहीं बनेगा तो सृष्टि पर अंधेरा हो जाएगा, जब अंधेरा हो जाएगा तो सृष्टि खत्म हो जाएगी, हो जाएगी ना खत्म। वेरी गुड दोस्तों, अगले प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिए गए? दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? दो देशांतर, कोई भी आपके दो देशांतर है, याद रखना दोस्तों, एक नॉर्थ पोल है और एक आपके साउथ पोल है। इसको इस प्रकार मिलाऊंगा दोस्तों, जब गोल वस्तु पे आप मिलाओगे तब इस प्रकार क्या करती आती है, और इस प्रकार की जगह को हम क्या बोलते हैं? आपके गोरे। क्या बोलते हैं? गोरे। लेकिन दो आपके अक्षांश रेखा, कोई भी दो अक्षांश रेखा, इनके बीच की दूरी को बोलते हैं कटिबंध। क्या बोलते हैं? कटिबंध। क्या बोलते हैं? कटिबंध कहा जाता है। कटिबंध होता है दो अक्षांशों के बीच की दूरी, जबकि दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? गोरे। कई बार प्रश्न आता है सर देशांतरों की संख्या कितनी है, देशांतरों की संख्या कितनी है, तो याद रखना 360। सर अक्षांशों की संख्या कितनी है? अक्षांशों की संख्या 181, जबकि अक्षांश रेखा पूछे, अक्षांश रेखा बतानी है 179। गुरु जी ये कैसे है? तो हमने थोड़े दिन पहले क्लास ले रखी है ज्योग्राफी की, उस क्लास में देख लेना किस प्रकार है अक्षांश क्या होते हैं और आपके अक्षांश रेखा क्या होती है। अगले प्रश्न को देखिए फटाफट से। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के पिता कौन है? मिसाइल मैन का नाम भी कहलाता है। भारत में मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? दोस्तों आपका काम ही क्या है, जब मैं आपके सामने प्रश्न बना के ला रहा हूं तो आपको लोड डालना है, ऑप्शन पे लोड डालना है। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो गुरुजी बताएंगे, गुरुजी ने बता दिया तो उसको याद रखना, बस इतना ही तो काम करना है, इतना तो काम करना है लाडले। सारे विद्यार्थी सेशन को शेयर करें भाई, ऐसे मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करे, और वीडियो को लाइक भी नहीं करते बिल्कुल भी, आप थोड़ा सा प्यार नहीं दिखाते भाई, रोने लग जाऊंगा भाई। लाइक नहीं करोगे तो भाई रोने लग जाऊंगा मैं, और आंसू 2 सेकंड में आ जाते मेरे। आस्य अर्जुन है, आस्यो रे, ओ रे आस्यो, मज़ा करो। एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके, हाँ, विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ये हमारे देश के प्रेसिडेंट रह चुके हैं या प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं बताइए? ये हमारे देश के प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति रह चुके, प्रधानमंत्री नहीं बने। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? गुरु जी क्या लफड़े आ गए, अब कोई नदी बह रही है, क्या हो रही है? कोई नदी बह के आ रही है लेकिन उसके बीच में कोई मिट्टी का भाग आ गया। क्या आ गया? मिट्टी का भाग, लेकिन मिट्टी के भाग को काट नहीं पाई, उसके चारों तरफ पानी को लिया और आगे चल के एक धारा बनने लग गई, तो इसको बोलते हैं आपके नदी द्वीप। क्या बोलते हैं? नदी द्वीप। और नदी द्वीप आपके बड़ा भी याद रखना है और आपको छोटा भी याद रखना है, छोटा और बड़ा दोनों आपके एक ही नदी के ऊपर है जिसका नाम आता है आपके ब्रह्मपुत्र। देखो बड़े द्वीप की अगर बात करें, बड़ा नदी द्वीप, नदी द्वीप की अगर मैं बात करूं तो याद रखना मांझुली, मांझुली। लेकिन छोटे की बात करूं तो छोटा जो नदी द्वीप है दोस्तों आपके उमा, उमा नंदा। और ये किस राज्य में पड़ते हैं दोनों? तो याद रखना असम में। कहां पड़ते हैं? असम में। और किस नदी के ऊपर है? ब्रह्मपुत्र। एक छोटा सा प्रश्न आता है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी भी पूछे तो कौन सी है? भारत से होकर बह रही है, यानी कि किसी देश से आगे फिर भारत से होकर भी आगे निकल गई, क्योंकि इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। कितनी है? लेकिन जो सिंधु नदी है उसकी 2880 किलोमीटर है, गंगा की 2525 है, इसलिए भारत से होकर बहने वाली लंबी नदी, भारत की लंबी नदी बोले तो क्या बोलोगे? गंगा। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों जिस प्रकार से मैं जीके का सेशन, दो बातें बताना चाहता हूं ध्यान से सुनना, एक तो हमारे बीच में सुनील सर, सुनील सर, और जो नेहा मैम है, नेहा चौधरी, नेहा चौधरी, और वहीं पे राकेश, राकेश गुरुजी, गुरुजी चश्मे वाले गुरुजी, मज़ा करो। तो रोबोट सर डेली आपको भैया साइंस,
प्लस में कभी कभार मैथ का सेशन, प्लस में कभी कभार आपको रीजनिंग का सेशन, फिर रात्रि में मॉडल मॉडल टेस्ट पेपर। दोस्तों कितनी मेहनत करते तब जाकर इनको उपाधि मिली है रोबोट सर की, रोबोट रोबोट सर की उपाधि मिली है। और ये भैया राग के सर तो सारे दिन लेता है स्वाद, तब इनको उपाधि मिली है चश्मे वाले गुरुजी, स्वाद ही लेता है, पढ़ाता तो है ही नहीं है। तो ये राकेश चौधरी नेहा मैम ऑफलाइन पढ़ाती हैं, ऑफलाइन, और ऑफलाइन में क्या टीच करती है, मैथ और फिजिक्स, मैथ और प्लस में फिजिक्स। तो टेक्निकल को ये फिजिक्स टीच करती हैं। तो सभी विद्यार्थी से निवेदन है, अगर कोई विद्यार्थी हमारी संस्थान में पढ़ना चाहता है, चाहे वो रेलवे की तैयारी करे, चाहे वो SSC GD की तैयारी करे, चाहे वो स्टेट पुलिस की तैयारी करे, चाहे आपके किसी भी चीज की तैयारी करे, अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हो ऑफलाइन, तो ऑफलाइन का कोई फीस नहीं है। हमारी अकेडमी के करो रे कुट कुट के हो रही है, मैं पढ़ाने लाग रहे हो बताने लाग, रुक जाओ ऊपर के कुट कुट है, ऑफलाइन बता रहा हूं आपको, ऑफलाइन का कोई चार्ज नहीं है। दोस्तों आपका रेजिडेंस की अगर बात की जाए तो PG का खर्चा होता है वो लगता है, हॉस्टल चार्ज, और हॉस्टल चार्ज कितने है 6,000 रुपये। और एक याद रखना वीकली 2-3 बार तो पनीर बन जाता है, और वीक में कम से कम ऐसा दिन नहीं गया ऐसा मिठाई ना ही हो, ऐसा वीक आ जाता है किसी का जन्मदिन आ गया, किसी मास्टर को गुड़िया हो गई, किसी मास्टर की गुड़िया का बर्थडे आ गया, किसी मास्टर की एनिवर्सरी आ गई, कोई किसी का सिलेक्शन हो गया, कोई चपड़गंजू का दादा चला गया, तो उसके भैया लड्डू आ जाते हैं, मिठाई तो पूरा वीक ही चलती है। उपाधियों का अंत कब हुआ था दोस्तों, नवीन कैसे पूछ रहा है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत भारतीय संविधान में तो मना कर रखा आर्टिकल 17 के तहत, अब उपाधि किस प्रकार पूछ रहा है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का था 18 आर्टिकल में, 17 में तो अस्पृश्यता का अंत है। नवीन किस प्रकार प्रश्न पूछ रहा है, उपाधियों का अंत कब कर दिया गया था, एक तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग भी किया गया है। कई बार तो आप प्रश्न ऐसे ले आते हो भाई यूपीएससी के को भी फैल कर देता टीचर, यूपीएससी का टीचर भी सोचता किस प्रकार बताऊं अब। नवीन राणा तेरे प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है, मुझे माफ करना दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर बताओ, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश होगी, गलती गलती तो जाम के बा गलती होगी, जब जाम में हो तो जब दाई भी नहीं बोली थारे घर का ने के करनो है राखनो है कुड़ी फेंकनो है, जब जाम ही दियो तो राख ही लिया जी, गलती तो बा होगी। दाई भी बोली के करनो है वो खाई है वो प्रशांत है और की कौन बोली ऑटो, क्या गलती होगी, बेइज्जती बहंगी होकर जाएंगी इज्जत होकर, कोई नहीं। तो सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों वो लद्दाख है, इसका जो एरिया है 5900 आपके 146 वर्ग किलोमीटर में, यानी कि 5900 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटे की बात की जाए तो सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है 32 वर्ग किलोमीटर में, और उसका नाम आता आपके सामने लक्षद्वीप। सबसे बड़ा राज्य बोले तो बड़ा राज्य राज्य और याद रख लेना यूपी नहीं है राजस्थान है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है राजस्थान है। तो हाँ 342,239 वर्ग किलोमीटर, हाँ क्षेत्रफल में ही बताने लग रहे हो, क्षेत्रफल ही बताऊं जनसंख्या में तो यूपी हो। छोटो राज्य की अगर बात की जाए तो छोटा राज्य, तो छोटा राज्य कौन सा है गोवा, गोवा का एरिया याद रखना 3702 वर्ग किलोमीटर में। तो प्रशांत इब भी कू लाडी इज्जत थोड़ी बहुत बच रही है तो बची रहन दे। सर मैराथन शुरू कब करोगे, थोड़ी देर में कर दू मैं, मेरा काम ही क्या है शुरू करो काम मेरे भाई साहब, भाई जब कोई पढ़ा लेन दे यार, कदी प्रश्न लिया हो कदी किमी पूछन लग जाए, राकेश चौधरी खड़े हो उत्तर देगो थारा जीके का प्रश्न ना टेंशन ले, मैं वो मास्टर को नहीं जो लेक्चर स्टैंड पर धर ले गो रिनू जागे कटक कौन से नदी किनारे महानदी, हाँ कटक महानदी के किनारे, गोदावरी किस राज्य से निकलती है पाकिस्तान में निकला, वो मास्टर कौन है राकेश चौधरी, कहीं तो मजा लेना और है मजा करो, कहीं तो बड़ा है
कई तो लॉलीपॉप मास्टर मेरी क्लास देखा, कई तो अब बेइज्जती करा मास्टर की। वो मास्टर तब तक मास्टर नहीं है जिसे अपने सब्जेक्ट का नॉलेज ना हो, जितना कंटेंट दे रहा है वो प्रिपेयर ना होकर आया हो और फोकस कैमरामैन के सामने फोकस ना कर सके, वो मास्टर ही नहीं है। इधर जाके और देखेंगे, ओ गलत हो गया इसको मिटो, ओ हो गलत हो गया इसको मिटो, ये क्या कर दिया मैंने बच्चों, बेबी सॉरी गलत हो गया। मैडम जी देखो चाहे कोई देखो, अपन डर लग है, शाहरुख खान है, ड्रैगन शाहरुख खान है, आज नहीं वे। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पे होती है? देखो सबसे ज्यादा वर्षा किस स्थान पर होती है, लेकिन कई बार क्या होता है किस वर्षा किस जगह पे कम होती है, जगह स्थान बोल दे। वेरी गुड, लद्दाख नहीं, ले क्या बताओगे? लेकिन किस कम राज्य पूछेगा, राज्य में किस राज्य में कम होती है? अरे राज्य पूछो, किस राज्य में कम होती है, कम की बात है। और ज्यादा की बात करूं तो दोस्तों ज्यादा खड़ा हुआ है, और राज्य बोलूं तो खासी पड़ ना। बिल्कुल सही, तू गलत क्या करो, फ्यूचर पोजी आस ही। वोटा दांत काट नहीं कौन, चार आंख सीख लियो बेटा, पेपर में दांत को नहीं आऊंगा, पेपर में यू आओगे डंगो। कौन से राज्य में कम होती है? राजस्थान। कौन सी जगह पे कम होती है? ले दोनों बातें पलट गई, ऐसे नहीं आता दोस्तों, घुमा देगा आपकी चक्री घुमा देगा। हाँ मासिल राम ऑप्शन में ना हो तब आपका राइट उत्तर क्या होगा, क्योंकि 2018 से पहले आपके चेरा पूंजी था, बाद में आपके मासिन राम हो गया। और वर्षा को जो मापा जाता है उसको बोलते हैं रेन गेज, क्या बोलते हैं? रेन गेज। तो वर्षा मापी जो उपकरण होता है, उपकरण उसको बोलते हैं रेन गेज। और वर्षा का जो जल होता है दोस्तों, देखो आज वर्षा हो रही है, अरे सुन ले यारो, अरे बेटा मुन्ना, मेरे मुंह की मी सो निकल जाएगो, फिर बाद में बोलो गुरुजी यो के कह दियो। मैं कू 22 तारीख तक बने रहो, मेरी नजर आ गए 22 के बाद में वर्दी दिखनी चाहिए, बस वर्दी न्यू ना कि 22 के बाद पेंडो छोटा खेत में आप हल बान लाग जाओ ना। भाई काली जीभ कौन, भाई इसी कौन बोला, भगवान बढ़िया जीव दिए, बढ़िया संस्कार दिए गए, बढ़िया दिल दिया गया, बढ़िया बुद्धि दी गई दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। हाय मेरी कभी नहीं लगती दोस्तों, और हमेशा मैं बच्चे का भविष्य सोचता हूँ। मुन्ना भाई कोई धोख मार दे गे लू बेरो खून पटा कोई आप तो ले बता रहे हो सबसे कम, अरे सबसे कम वर्षा की जगह बोले तो क्या बताओगे? ले, अरे कम की बात बोल रहा हूं। अगले प्रश्न को देखिए फटाफट से क्या दिया गया। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। अगर फिक्र रास्ते की होती तो नशा वर्दी का ना होता, ऑर्डर मौत का होता तो सपना फौज का ना होता। जय हिंद वंदे मातरम। भाई रुक जाओ चौधरी साहब, मान जा बनाऊ तेरो आती मसला भाभी। हाँ फ्यूचर फौजी एक का तो इलाज कर दिया, कई बैठे हैं, किस किस का करूं भाई। क्या दिया गया? प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कावेरी नहीं है, गोदावरी नदी है। क्या भैया? गोदावरी। हाँ कावेरी की बात करें तो ये हो सकती है, ये 805 किलोमीटर, कितनी है 805, ये आपके 1465 किलोमीटर, ये सारी दक्षिण भारत की, ये उत्तर भारत की बस, तो ये 1465 है। नर्मदा की बात करें तो 1320 किलोमीटर है, कृष्णा की बात की जाए तो याद रखना आपके पूरी 1400 किलोमीटर, कितनी है। तो दक्षिण भारत की दूसरी बोले तो, और तीसरी लंबी बोले तो याद रखना दोस्तों गोदावरी। और गोदावरी के किनारे एक शहर बता दो, नाम क्या है? नासिक। और प्लस में एक और याद रखना, राजमुंद्री।
राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जहां पे तंबाकू शोध केंद्र है। अब एक छोटा सा प्रश्न बता दे सुरेश, तंबाकू के नशीले पदार्थ का नाम क्या है? बहु पूछे यार, तू तो कौन बता वर्तन की में याद कौन ही लट्टू है तू, ये बता तंबाकू, तंबाकू दिवस दिवस कब आता, तंबाकू निषेध दिवस? ऑप्शन दू 21 मई, 31 मई। वेरी गुड, आवे थोड़े यहाँ तो छोरो पड़ा है। अड़कम क्या मिलो, 70 किलो को तू, अड़कम क्या मिलो 70 kg को तू। भारत का सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज कौन सा? 6000 करियो कहते हैं, वजन ही बढ़ाए है। हाँ डूडी ने कल भी जवाब दिया था, बीजापुर में। और गोल घर की बात करूं तो गोल घर कहां पड़ता है? गोल घर, एक नाम आएगा आपके सामने, बड़ा बड़ा इमाम, इमाम बाड़ा, ये एक भवन है, इमारतें दोस्तों। और एक आएगा छोटा, छोटा इमाम बाड़ा, इमाम बाड़ा, ये आपके बाड़ा, तो इमाम बाड़ा। ये दोनों जो जगह पड़ती है कहां पड़ती है? लखनऊ। ये आर्मी के बहुत फेवरेट पर्सन है, आर्मी में कई बार आते हैं दोस्तों, ट्रेडमैन के पर्सन है ये। बड़ा इमामबाड़ा भवन कहाँ है, छोटा इमामबाड़ा, दोनों कहाँ पड़ते हैं? लखनऊ में। गोलघर नामक एक क्या है, भवन है, और ये पड़ता है आपके पटना में। कहाँ पड़ता है? पटना में। गोल गुंबज की बात करें तो बीजापुर में। और एक नाम मिलेगा आपके सामने दोस्तों, गोल क्रांति। क्या नाम मिलेगा? गोल क्रांति। तो गोल क्रांति किसके उत्पादन के लिए बढ़ाई गई थी? आलू के उत्पादन के लिए। किसके लिए? आलू के उत्पादन के लिए, गोल क्रांति। एक आएगा सामने गोलकुंडा किला, क्या आएगा? गोलकुंडा, गोलकुंडा किला, और गोलकुंडा नामक खान भी है। क्या है? खान। और इसी गोलकुंडा नामक खान से कोहिनूर का हीरा निकाला गया था, जो भारत से लूट के गया था, अफगान शासक था नादिर शाह। कौन था? नादिर शाह, जिसने आपके 1739 में दिल्ली को तहस नहस कर दिया था नादिर शाह ने दोस्तों। तो गोलकुंडा जो किला पड़ता है, ये कहां पड़ता है? हैदराबाद में। तो गोल घर बात करें तो पटना, गोल गुंबज की बात करें तो बीजापुर में, गोल क्रांति की बात करें तो आलू उत्पादन से। किससे भैया? आलू, आलू। रुक जाओ, अच्छो गाणो चला के छोड़ दे प्यारे, मोटे है मैडम आलू, मोटे है मैडम आलू, अच्छो गाणो चला के छोड़ दे। हाँ, पपीता कदी, पपीता कदी, टमाटर कदी, जामन कदी, गन्ना लिया कदी, केला लिया बेरो को ने, अच्छा गाना बनाया रे, कदी फोन देख लियो मैडम मोटे हैं मोटे हैं, बस यही गाणो चला सारे दिन। सर एक दिन मैथ के और एक दिन साइंस की, भाई डेली क्लास होती है यार मुन्ना, डेली होती है साइंस मैथ, हम अपने अकॉर्डिंग करा रहे दोस्तों, टेंशन मत लो। 15 अप्रैल से पहले पहले सारा मैटर आपके कदमों में होगा दोस्तों। और मॉडल टेस्ट पेपर के लिए 99 रुपये तो आप वो तो खर्च करते नहीं हो, सारी डिमांडेड तो आपकी चीजें हो जाती हैं। सर सभी स्टेट में पेपर आएगा, सेम पेपर नहीं आता दोस्तों, किसी राज्य की जो आपके एजुकेशन साक्षरता वो कम है तो वहां पर हल्का पेपर भी बन सकता है, और जब ना आया तो कितने कितने सर तुम्हारे, या तो तेरे लिए 8 बीघा नाम करा दिए, और या तो 8 बीघा मेरे करा दिए, मतलब ही नहीं है। याद रखियो आज तेरा 22 तारीख को पेपर है, और तू पेपर दे रहा है लुधियाना के अंदर, तू पेपर दे रहा है हिसार के अंदर, तू पेपर दे रहा है अहमदनगर के अंदर, और ऑनलाइन पेपर होगा बिल्कुल सेम नहीं आएगा, मैच कर लियो। बाहर निकलेगा ना तो कोई बोलेगा जीके का मेरा ये पूछा है, ये पूछा है, झुंझुनू जोधपुर अलग अलग, ठीक है ना। बड़ी टेंशन। तो राष्ट्रगान का प्रकाशन सुन लो भाई, राष्ट्रगान का सबसे पहले जो प्रकाशन किया गया वो एक पत्रिका में किया गया था, और 1912 के अंदर आनंद मठ से तो आपके गीत लिया गया है, आनमठ से तो गीत लिया गया। वेरी गुड दोस्तों, जयदीप डूटी ने बताया कि सर तदबोधनी पत्रिका आपके, उत्तर संख्या ए राइट। राष्ट्रगान की बात कर रहा हूं दोस्तों, राष्ट्रगान को निकाला कहां से, ये पुस्तक का नाम बताएगा प्रशांत, कहां से निकाला है पुस्तक बता दे, गीतांजलि। उपनिषद क्या है? कुछ नहीं, उपनिषद मुंडोक उपनिषद, उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिया गया फटाफट से, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर का नाम बताइए, भारत का राष्ट्रीय जो कैलेंडर है उस कैलेंडर का नाम है शक संवत। क्या नाम है? शक संवत। और इस शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत पूछ रहा है, शुरुआत भारतीय संविधान में इसे अपनाया कब, इसकी शुरुआत तो होती है 78 ईस्वी में, कब होती है 78 ईस्वी में,
वो करने वाला राजा कौन था? राजा कनिष्क। कौन था? राजा कनिष्क। लेकिन संविधान में जोड़ा गया 22 मार्च 1957, और इस शक संवत का पहला महीना यानी कि पहला माह कौन सा है? पहला माह है चैत्र, जो होली के अगले दिन यानी कि जिस दिन आप रंग लगाओगे ना, तो रंग के अगले दिन हमारा नव वर्ष आता है। ओगी रे दुलंडी तो रंग लगाओ नहीं कह भाई, अगलो दिन के हुआ है चैत्र को पहलो दिन हुआ है। पक्की बात है? ये हमारे सामने ऑफलाइन के बच्चे बोल रहे हैं कि दुलंडी के दिन चैत्र महीने का पहला दिन होता है, जिसको चैत्र माह का यानी कि शुक्ल पक्ष का पहला दिन कहा जाता है। दोस्तों बताइए, यो रहने दे तू, तो रहने दे, बट तोते ही फिक्र हो रही है। ये तोते ने आजाद करके आई हो भाई, आचो क्लास में तोतो ले आके छोड़ दिया है, पानी पिया रहा है, पानी ले गया रहा है। शिवनाथ पढ़ ले जा बस के। क्लास कौन छोड़ू मैं आज थारी, रुक जो बहुत दिन हो गया था ना मजा लेंदा। और हाँ हाँ तो ये लास्ट पर्सन है दोस्तों आपके सामने। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया? तो याद रखना 22 मार्च 1957 को, और आपके चैत्र महीने यानी कि जो चैत्र महीना होता है शक संवत का पहला महीना होता है, और अंतिम जो होता है वो फाल्गुन होता है। क्या होता है? फाल्गुन की पूर्णिमा को तो होली होता है, जो जला के घर आ जाते हैं, और अगले दिन जो चैत्र माह का पहला दिन होता है उस दिन हम क्या करते हैं? रंग लगाते हैं, धुलंडी मनाते हैं। दोस्तों अनुज कुमार कह रहा है हेलो सर, आपका सब वीडियो देखता हूं। ठीक है अनुज, आपको मेरी ओर से एक छोटी सी डायरी है दोस्तों, ये आपको भेंट की जाती है अनुज भाई साहब। तो ये रफली काम खातर दिया, और ये मैं दूध को हिसाब लिखोगे तू। सभी दोस्त बताइए क्लास का सेशन आप कैसा लगा, रात्रि 9 बजे आना ना भूले दोस्तों। अभी दिखा देता हूं आपको पोस्टर, फिर बोलोगे बताए नहीं गुरुजी। अंतिम प्रहार है 10 मार्च वाले विद्यार्थी, तो इसको 120% देखना। 22 अप्रैल के विद्यार्थी जिनके माता पिता ने सपना देखा है पूरा होने का, अगर पूरा करना चाहते हो तो रात्रि 9 बजे बिना कुछ बताए कॉपी पेन लेके साथ बैठ जाना। नेट 2-3 GB रख लेना दोस्तों, 2 GB नेट तो होना चाहिए रात्रि क्लास में। बुरे वक्त में जो तुमसे खुद जुदा ना होए उसे गौर से देखना कि वह कहीं खुदा ना हो। वेरी गुड दोस्तों, भगवान है सब आपके लिए। मस्त है गुरुजी मस्त। इंदर क्या कहता रहता है ये? इंदर BKN सर बताना, क्या बताऊं? BKN क्या? आर्मी GD का कितने चाहिए? आर्मी GD में नंबर चाहिए तुझे 100 में से 100 नंबर, कितने चाहिए तब जाके सिलेक्शन होगा। ऐसे थोड़ी हो जाएगा, क्या पता कंपटीशन इतना तकड़ा आ जाए सारे बच्चे 100 में से 100 करी आए, और फिजिकल में भी 100 में से 100 चाहिए। अब तेरी एज कम है या ज्यादा है तो ज्यादा वाले को ले लेंगे पहले। हाँ मैम की ऑफलाइन क्लास है मैथ की, और अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो दोस्तों अभी ऐसे आ जाओ, चाहे आप रेलवे की तैयारी करो, चाहे SSC GD की, CRPF की, ITBP की, CISF की कर सकते हो। एक नाम और बता रही है, पशु परिचर क्या? ठीक है।